नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। इंडिया लाइव न्यूज में दर्शकों का स्वागत करते हुए नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के करीब आते ही उत्तर प्रदेश के सरकारी मंत्री पहुंचे कानपुर देहात, जहां उन्होंने 150 लोगों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन वितरित किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश की योगी सरकार नगरीय क्षेत्रों में लोक लुभावने योजनाओं का क्रियान्वयन कराना तेज कर दिया है। इसी के चलते कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों के गरीब परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र वितरित किया। साथ ही नगर पंचायतों और नगर पालिका में कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री ने कानपुर देहात के 7 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिका परिषद के करीब 100 परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन वितरित किए। वहीं 50 लाभार्थियों के न आने पर विद्युत विभाग द्वारा उनके कनेक्शन प्रमाण को उनके घर पहुंचाने का निर्णय लिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 20 लाभार्थियों को प्रभारी मंत्री ने प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं सरकार द्वारा निशुल्क विद्युत कनेक्शन पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी दिख रही थी। वहीं मोदी सरकार की जमकर तारीफ की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से राहुल कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हुई चोरी के सिलसिले में मनेंद्रगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया, जोड़ा तालाब मनेंद्रगढ़ के मकान में रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा प्रवेश कर सोने की अंगूठी 3 नग, कड़ा 2 नग, ब्रेसलेट 1 नग, सोने की घड़ी 1 नग, सोने का चैन वाला लॉकेट 1 नग, सोने की लटकन और 1 नोकिया मोबाइल, नकदी रकम 18,000 रुपये, कुल जुमला 2,00,000 रुपये की चोरी करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल शर्मा के निर्देशन टीम गठित कर SDOP मनेंद्रगढ़ श्री अर्जुन गुप्ता के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त राजू सिंह द्वारा विक्रय करने के फिराक में होने की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी श्री बिमलेश दुबे एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजू सिंह एवं शंकर लाल केसरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया से सुजीत शाह की रिपोर्ट। अपने कश्मीर यात्रा का जिक्र करते हुए पूनम महाजन ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख के युवाओं को बदलने के लिए, एक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए कॉल करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूनम महाजन ने कहा कि राज्य के 3 क्षेत्रों का देश का स्वर्ण त्रिकोण बनना चाहिए। यहाँ के युवा इतने अच्छे रूप से जुड़ रहे हैं और हम सब नए युवा जो हैं, आप हैं, मैं हूँ, सब लोग हैं, सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। और सकारात्मकता जब तक समाप्त नहीं होगी, जो हर वक्त नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, आज युवा जाति प्रति भाषा और धर्म से नहीं जुड़ना चाहते, जुड़ना चाहते काम से और देश की प्रगति से। मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड चीज। पूनम जी, कश्मीर गई आप, यूथ से मिली कश्मीर में, यूथ से तो कैसा कैसा लगा आपको? मुझे बहुत लगा कश्मीर में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अपेक्षा से भी ज्यादा श्रीनगर में। श्रीनगर में जब मैं मिली, सिर्फ युवा लड़की नहीं, उतनी लड़कियां इक्वली इक्वलेंट साथ में आई और सिर्फ भाषण सुनने के लिए नहीं, तो बाद में हमारी चर्चाएं हुई पूरा दिन भर। मैंने कहा ना, दिन भी कम पड़ गए। तो मुझे लगता है देयर इज अ चेंज एंड व्हिच इज सो रैपिड। क्या महसूस हुआ, क्या संदेश देकर आई आप अपने? कुछ यूथ हैं वहां पे, युवा को क्या क्या? मैं उनसे सीख के आई हूँ कि हम सब चाहते हैं देश की तरक्की और सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो यही हमारा। श्रीनगर की उनकी यात्रा का जिक्र करते हुए महाजन ने कहा कि एक समय था जब शहर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोकने के लिए लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया था। जम्मू कश्मीर से काश्मीर सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान अभ्यास करेंगे। उन्नाव जनपद के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर
कड़ी सुरक्षा में लड़ाकू विमान अभ्यास करेंगे। 4 वायुसेना स्टेशनों से 17 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे और एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का अभ्यास करेंगे। वायुसेना अधिकारी HR पाटिल समेत अन्य अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग में लगे रहे। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के 15 लड़ाकू और 2 परिवहन विमान टच डाउन करेंगे। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर प्लेनों की लैंडिंग भारतीय वायुसेना के इतिहास में शानदार प्रदर्शन दर्ज होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की 50वीं सालगिरह है। इस मौके पर एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमानों के साथ विंटेज विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ में डाला छठ त्योहार के मद्देनजर रखते हुए लोगों ने तमसा नदी के किनारे वेदी बनाई। मऊ नगर क्षेत्र के तमसा स्थित डाला छठ को मद्देनजर हर घाटों पर वेदी बनाने के लिए उमड़े श्रद्धालु अपनी जगह जगह को कब्जा कर साफ सफाई में जुट गए। बड़ी धूमधाम से डाला छठ पूजा की तैयारी में ग्रामीण से लेकर शहर के सभी श्रद्धालु सामान की खरीदारी व नदी के तटों पर पोखरियों के किनारे साफ सफाई में जुट गए हैं। माँ का आस्था है, माँ के वजह से हम लोग बनाते हैं, पूजा करते हैं। इसमें हमारा पूरा परिवार जो है, बाल बच्चे, माता पिता जितने भी हैं, सब सदस्य जितने हैं, सब सही रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। और ये इसीलिए माँ का पूजा हम लोग करते हैं, सूर्य नारायण का पूजा भी करते हैं, उन्हीं को अर्घ देते हैं, यही हम लोग का आस्था है। इसमें जितने भी फल हैं, जो भी चीजें हैं, ये हम लोग माँ, हमारी माता बहनें सब भूखी रहती हैं, 2 दिन व्रत रहती हैं, 2 दिन के बाद ही इसमें अन्न खाती हैं, इसी की वजह से ये पूजा की जाती है। सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन संध्या काल में नदी, नहर व तालाब के किनारे व्रती स्त्री पुरुष सूर्यास्त के समय अनेक प्रकार के पकवानों को बांस के सूप में सजाकर सूर्य नारायण को श्रद्धा पूर्वक अर्घ अर्पित करते हैं। सप्तमी तिथि को प्रातः काल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के उपरांत ही व्रत पूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झारखंड के जामतारा जिले में एक चौकीदार का शव नदी के किनारे मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। झारखंड के जामतारा जिले के नाला प्रखंड के काली पहाड़ी निवासी पीयूष कुमार मंडल का शव जामुरिया थाना के बिरकुल्टी स्थित कदमखंडी शमशान के पास अजय नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि पीयूष मंडल नाला थाना क्षेत्र में चौकीदार का काम करता था। वर्तमान में वह नाला थाना में अस्थायी तौर पर काम कर रहा था। गत 21 अक्टूबर को भैया दूज के दिन शाम 5 बजे से वह गायब था। दूसरे दिन सुबह अजय नदी किनारे ग्रामवासियों ने खून के धब्बे देखे तो नाला थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर को जानकारी दी। उन्होंने डॉग स्क्वाड की मदद से पता लगाया तो संदेह हुआ कि किसी ने हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया होगा। बताया जाता है कि पीयूष मंडल नाला थाना क्षेत्र में चौकीदार का काम करता था। वहीं सूचना पाकर नाला थाना प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर सह अन्य पुलिस अधिकारी मृतक के परिजनों को लेकर जामुड़िया थाना पहुंच शव का शिनाख्त किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं, www.indialivenews.co.in। नमस्कार।